ये हमें 16 तारीख की सुबह एक सूचना मिली थी कि एक बोलेरो गाड़ी जो जली हुई अवस्था में बारवास गांव जो भिवानी महेंद्रगढ़ की बॉर्डर पे और राजस्थान बॉर्डर के नजदीक है, वहां पे एक जली हुई अवस्था में बोलेरो मिली है। उसमें दो शव कंकाल भी उसके साथ में मिले हैं। हमारी टीम को सूचना पड़ने के उपरांत तो वहां की टीम पहुंची थी। वहां के डीएसपी लोहारू के नेतृत्व में हमारी क्राइम की टीम और एफएसएल की टीम वहां पे पहुंची। उस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया और उसके आसपास एरिया में सर्च अभियान चलाया गया। गाड़ी में देखा गया कि दो शव मिले थे, एक सामने की सीट पे लेफ्ट साइड में और एक पीछे की सीट पे शव था, वो पूरी जली हुई अवस्था में था। गाड़ी पे कोई नंबर प्लेट और कोई भी निशान नहीं था। एफएसएल की टीम ने वहां जाके उस गाड़ी का इंजन नंबर और चेसिस नंबर निकाला। उसको देखने के उपरांत हमें यह ज्ञात हुआ कि ये गाड़ी हसीन खान नाम से एक व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड थी। उनका नंबर लेके उनसे कांटेक्ट किया गया। उन्होंने बताया कि ये गाड़ी उन्होंने नासिर नाम के व्यक्ति को चलाने के लिए दी थी, क्योंकि इसमें कुछ खराबी थी, उनको चलाने के लिए दे रखी थी। उस गाड़ी के मालिक से संपर्क करने की कोशिश की, तब उन्होंने बताया कि इस संबंध में दो युवकों के अपहरण के बारे में और उनकी मारपीट के बारे में एक FIR गोपालगढ़ थाने में 16 तारीख की अल सुबह 15-16 तारीख की रात को एक दर्ज है। वो सूचना मिलने पे वहाँ की लोकल पुलिस स्टेशन को सूचना दी गई और वहाँ से पुलिस स्टेशन की टीम है वो यहाँ पे उनके परिवारजनों को लेके आई है। और कल इनका वहाँ पे पोस्टमार्टम कराया गया, DNA सैंपल प्रिजर्व किए गए, क्योंकि FIR पहले ही राजस्थान में गोपालगढ़ थाने में रजिस्टर हो चुकी थी, इसलिए वहाँ की सारी कार्रवाई वहाँ से की जा रही है। और हमारी टीमें लगातार राजस्थान पुलिस के संपर्क में है और उनको सारी सहायता हमारी तरफ से दी जा रही है। सर, इस मामले ये FIR पहले ही, ये हमारे संज्ञान में आने से पूर्व ही FIR इसमें दर्ज हो चुकी थी और राजस्थान में गोपालगढ़ थाने में पहले ही दर्ज हो चुकी थी। उसमें जो ये मृतक है उनकी पहचान नासिर और जुरैद नाम से, जो कि घाटमिका गांव गोपालगढ़ थाने के अंदर भरतपुर जिले के अंदर है, उनकी पहचान हुई थी। उसमें उन्होंने जो FIR है जिनकी प्रति हमें मिली है, उसमें जरूर 5 युवकों पे आरोप लगाए गए हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद में ये सब कुछ क्लियर होगा कि कौन अपराधी थे।